सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ऑल न्यू 2023 मारुति सुजुकी बेलिनो। जैसे कि आप देख सकते हो भाई, ये ब्लैक कलर काफ़ी शानदार लग रहा है, नया कलर एड ऑन हुआ है। बाकी कलर ऑप्शन आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये आपके सामने ब्लैक कलर ऑप्शन ऐड हुआ है और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। टोटल 4 वेरिएंट में ये गाड़ी आएगी, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा, और साथ ही साथ पेट्रोल और सीएनजी दोनों में अवेलेबल आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप इसकी सीएनजी वेरिएंट में जाते हैं तो सीएनजी में आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा और जीटा का ऑप्शन मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में, और नॉर्मल पेट्रोल लेंगे तो आपको डेल्टा से मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा। और देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार लग जाती है ब्लैक कलर में, क्या ही जो एक अलग लुक देता है ये गाड़ी का, जैसे कि आप देख सकते हो। और 2015 में लॉन्च हुई थी और ये 2023 का आप सेकेंड जनरेशन आप ये देख रहे हो, और हरियाणा और गुजरात में इसकी असेंबली होती है। जैसे कि तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इन्हेंस मिलेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ आप DRL देख सकते हैं, नेक्स्ट ट्रे LED DRL आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ LED आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा, और आपको फॉक लैम्प जो होता है वो भी आपको जो है LED में मिल जाता है। और साथ ही साथ सुजुकी का लोगो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस वाले वेरियंट में आपको टॉप ऑफ द लाइन में आपको 360 डिग्री का भी और ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट पार्किंग कैमरा भी आपको मिल जाता है। ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्यूटी, नया कलर ऐड हुआ है नेक्सा में। और साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो, साइड प्रोफाइल डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी 170mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और अगर टायर्स की बात करें तो 16 इंचेस के प्रीशंस कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे आपको। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन, पीछे आपको टॉर्जन बीम सस्पेंशन मिल जाता है। और वहीं अगर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो प्रोफाइल आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाती है 195/55R, 16 इंचेस के आपको जो है प्रीशन कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, और डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं, और ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहां पे आपको मिल जाते हैं, और ORVM आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डिंग का फंक्शन मिल जाएगा LED टर्न इंडिकेटर के साथ। और साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हो आपको कैमरा भी मिल जाता है। रूफ रेल्स आपको इसमें नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टर ग्लास काफ़ी छोटा दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम फेस भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ अगर ब्लैक बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल तो भाई क्या ही ज़बरदस्त लगती है पीछे से। और बेलिनो का मतलब होता है, बेलिनो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइटनिंग। और साथ ही साथ देख सकते हैं सुजुकी का लोगो, कैमरा आपको मिल जाता है, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और आपको एंटीना भी मिल जाता है। तो बैक से एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है प्रोफाइल। और इस साथ ही साथ टोटल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, टोटल 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, सॉरी यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो आइए इसका बूट ओपन करके देखते हैं। तो बूट स्पेस आपको लगभग 318 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी डीप जो है आपको बूट स्पेस मिल जाता है, और नेक्सा की आपको एसेसरीज, जेन्युइन एसेसरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ बूट लैम्प यहाँ पर इस वाले वेरियंट में मिल जाता है आपको, पार्सल ट्रे आपको जो है कंपनी ऑफर करा रही है। ये होगी इसकी बात, अब चलेंगे इसके इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में चल के बात करेंगे, आपको बताएंगे सेफ्टी फीचर्स के बारे में और बहुत कुछ। लेट्स गो इनसाइड द कार। तो आइए इसका ड्राइवर साइड का डोर खोल के देखते हैं। तो ड्राइवर साइड का डोर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सॉफ्ट टच यहाँ पे आपको मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको डुअल टोन में फिनिश मिल जाती है। इनसाइड क्रोम हैंडल मिल जाती है आपको क्रोम फिनिश में, और साथ ही साथ आपको लेदरैट सीट्स मिल जाती है, ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज है। कस्टमर की रेडी गाड़ी आप देख सकते हो, सीट कवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सीट बेल्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि सारा का सारा रिमाइंडर आपको फ्रंट MIM इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको शो करेगा। तो आइए चलते हैं इसके इंटीरियर में, बैठ के बात करेंगे इसके कम्फर्ट लेवल की, और आपको बताएंगे बहुत कुछ। सो गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं इंटीरियर में, बेलिनो के इंटीरियर में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अब देख सकते हो काफ़ी अच्छा आपको जो है अंदर हाई सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको सारे के सारे मिल जाते हैं। लैंप आपको नॉर्मल वाला मिलेगा, येलो वाला आपको यहाँ पे लैंप मिल जाता है। बाकी सेंटर कंसोल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाती है, रेयर AC वेंट्स, और साथ ही साथ नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, और थोड़ी सी स्पेस आपको मिल जाती है, हम काफ़ी छोटा दिया गया है,
और साथ ही साथ देख सकते हैं 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है, पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यूवी कट ग्लासेस आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा छोटा सा आपको क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। इंटीरियर आप देख सकते हो पूरा का पूरा टॉप मॉडल भाई, बहुत ज़बरदस्त लगती है। 10,83,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। नेक्सा में अगर आप इस वीडियो को यूपी प्रयागराज से देख रहे हैं तो आप नेक्सा के शोरूम पे आना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए नेक्सा का तो इस नंबर पे कॉल करके आप जो है सारी डिटेल निकाल सकते हैं। ओवरऑल कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, हैचबैक है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट हाइट नहीं मिल जाता, यहाँ पे नहीं मिलता, बाकी 6 एयरबैग आपको इस वाली वेरियंट में आपको मिल जाता है। ओवरऑल मैंने आई थिंक सारी चीज़ कवर कर दी है और अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड की तरफ। ड्राइवर साइड की तरफ चल के आपको बताएंगे बहुत कुछ। तो उससे पहले मैं आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, सिक्योरिटी अलार्म, 360 डिग्री कैमरा, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम मिल जाता है। साथ ही साथ आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंटिंग भी मिल जाती है, यहाँ पे आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंटिंग भी मिल जाती है और सीट बेल्ट प्री टेंशनल और लोड लिमिटर के साथ। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ब्रेक असिस्ट का भी फंक्शन मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड काफ़ी अच्छा इस पर दिया गया है। तो ये होगी सेफ्टी फीचर्स के बाद और चलते हैं अब इसके ड्राइवर साइड की तरफ। ड्राइवर साइड की तरफ चल के आपको बताएंगे बहुत कुछ, लेट्स गो। तो आइए इसका ड्राइवर साइड का डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और साथ ही साथ डोर ट्रिम्स आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। यहाँ पे सारे के सारे पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन का फंक्शन, पिंच गार्ड के साथ डोर लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाएगा, स्पीकर की प्लेसिंग यहाँ की गई है, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाती है, इनसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में आपको मिल जाती है, ट्यूटर की प्लेसिंग आपको यहाँ पे दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हो टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कितनी हवा भरवानी है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी, रिक्लाइन कर सकते हो आप यहाँ से, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ एयर बैग आपको टोटल 6 एयरबैग्स मिलेंगे, एक आपको यहाँ मिलेगा, एक उधर मिलेगा, दोनों सीट पर यहाँ पर मिलेगा और इस तरफ पिलर पर आपको 2 एयरबैग मिल जाएगा, टोटल 6 एयरबैग मिल जाएगा। और डैशबोर्ड का नज़ारा आप देख सकते हो क्या ही शानदार लगता है आपको, पूरा का पूरा इल्यूमिनेशन आप देख सकते हो, पूरे आपको बटन्स पे पूरे के पूरे लाइट जलती हुई मिलेगी, ये काफ़ी अच्छा लगता है नाइट के टाइम में। और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, आइडल स्टार्ट स्टॉप के बटन और ट्रैक्शन कंट्रोल और हेड्सअप डिस्प्ले, यहाँ पे आपको हेड्सअप डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है इस वाले वेरियंट में, टॉप मॉडल में, अल्फा में। और साथ ही साथ हेडलाइट लेवलर भी आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, इंजन हुड खोलने का बटन और फ्यूल लाइट ओपन करने का बटन मिल जाता है और इस वजह से आप अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो आइए चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में चल के आपको दिखाएंगे और बताएंगे आपको बहुत कुछ। स्टेरिंग देख सकते हैं, फ्लैट बॉटम आपको जो है स्टेरिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे, पूरी की पूरी सुजुकी का लोगो मिल जाता है, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, वॉइस कमांड मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और आपको देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर, आपको RPM मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, टाइम, फ्यूल एवरेज, फ्यूल इकोनॉमिक और ये सब आपको मिल जाता है। और ये वाली स्टिक से आप अपना जो है कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल आइडियल स्टार्ट स्टॉप मोशन और टॉर्क एंड स्पीड, एक्सेलरेशन, ब्रेक, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ 9 इंचेस का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस मिल जाता है जो कि सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले, वायरलेसली सब चलता है। और यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 360 डिग्री आपको कैमरा मिल जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बाकी सेटिंग वोटिंग में आपको नॉर्मल जो है फ़ोन वाली सेटिंग पूरी आपको मिल जाती है। और हज़ार्ड लैम्प, AC, ऑटोमेटिक AC आपको यहाँ पे मिल जाता है। और साथ ही साथ नीचे आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, की मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक, और ये नॉर्मल सी की मिल जाएगी आपको, 6 स्पीड 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हो हैंड ब्रेक और स्लाइडिंग, छोटा सा आपको जो है आर्मरेस्ट मिल जाता है और ग्लव बॉक्स आप देख सकते हो, छोटा सा आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगा। और सनवाइजर की तरफ वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको, लाइट के साथ वैनिटी मिरर मिल जाता है। और को ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और साथ ही साथ पीली वाली लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, येलो वाली जो कि LED में होना चाहिए था। और ऊपर आपको माइक मिल जाता है और ग्रैब हैंडल भी आपको मिल जाती है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ इसमें कवर कर दी है, अब मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ, चलिए आपको जो है इंजन दिखाता हूँ।
तो ये आपको यहाँ पे इंजन जो मिल जाता है 1.2 लीटर इनलाइन फोर सिलेंडर का इंजन मिल जाता है, सुजुकी K12N डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन मिल जाता है विद आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ। 89.7 पीएस की पावर, 113 एनएम का आपको टॉर्क मिल जाएगा, 22 केएमपीएल का आपको माइलेज यहाँ पे मिल जाता है 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। फोर सिलेंडर इंजन 89.7 पीएस की पावर, 113 एनएम का टॉर्क आपको मिल जाता है। अगर आप इसको सीएनजी में लेते हैं तो सीएनजी में आपको 77.5 पीएस की पावर और 98.5 एनएम का आपको टॉर्क यहाँ पे मिल जाएगा। और कर्व वेट वैरी करेगा हर आपको जो है अलग अलग वेरिएंट में। तो कैसी लगी आपको बेलिनो ब्लैक कलर में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।